हे एवरीवन, आई एम कोमल एंड वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करेंगे जेरेनियम प्लांट के बारे में, लेकिन बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं जेरेनियम प्लांट के बारे में। एक ही विंटर फ्लावर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप लोग इसको नहीं लाए हैं या लेने जा रहे हैं तो आप इनको इनकी पत्ती के थ्रू पहचान सकते हैं। इनकी पत्तियां भी बहुत ही, देखिए इनकी लीव्स कितनी हेल्दी और खूबसूरत हैं, और इन पे हल्का हल्का सा साइड में पर्पल कलर होता है। तो आप अगर इसको नर्सरी में लेने जा रहे हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इनको इनकी पत्ती हुए से पहचान सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इनकी कलर्स के बारे में, तो इसके कई सारे कलर्स आते हैं, लेकिन मुझको ये रेड वाला ही मिला तो मैं इसको ही ले आई थी। और अगर आप इसको नर्सरी से लेने जाएँ तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें दो तीन बंच होनी चाहिए। और अक्सर मेरे साथ में ऐसा होता है कि जब भी मैं नर्सरी पर जाती हूँ तो मुझको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि मुझको कौन सा प्लांट लेना, बस मैं खो जाती हूँ प्लांट्स देख के, बस मैं उनको देखती ही रहती हूँ, कभी इस प्लांट को कभी उस प्लांट को। तो जो भी प्लांट्स वगैरह मेरे घर में आते हैं वो सारे मेरे हस्बैंड सिलेक्ट करते हैं, और बस मैं उनको देखती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप मेरी तरह गलती ना करिएगा कि जब भी नर्सरी पे जाएं तो प्लांट्स बाद में व्यू करिएगा, पहले आप अपने प्लांट सेलेक्ट कर लें तो यही बेटर होगा। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स होते हैं। लीव्स इनकी बहुत ही सॉफ्ट और ऐसे लाइक वेलवेट की तरह होती हैं, जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है उस टाइप की। और ये फ्लावरिंग हमेशा बंच में करता है। ये एक बंच आपके सामने है जो अभी फुल ब्लूम नहीं हुआ है, कई सारी बर्ड्स इसमें ऐसी हैं जो अभी खिलने को बाकी हैं, और एक इस टाइप से पूरा बंच होता है, ये पूरा फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद में जब भी आप इससे ज़्यादा फ्लावर अगर चाहते हैं तो उसकी टाइम टू टाइम इसकी डेड हेड हटाते रहिएगा, और जब भी पूरा बंच खिल जाए और प्लांट्स इसके फ्लावर्स मुरझाने लगे तो आप इसको बिल्कुल नीचे से कट कर दीजिएगा। एक लंबी सी स्टेम टाइप की होती है, इस स्टेम को लास्ट से आपको कट कर देना है। तो आपको इसको कैसी जगह पे रखना है, कैसा पानी देना है, साथ ही साथ ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पानी देने की जहाँ तक बात है तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, और ऐसा भी ना करिएगा कि कम पानी दीजिएगा, बस इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। लेकिन इसके संग में एक सबसे ध्यान देने वाली बात जो होती है वो ये कि आप इसको दिन भर की फुल सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखिएगा। आप दिन भर फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये प्लांट अच्छा से ग्रो नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, और साथ ही साथ इसके फ्लावर भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ सुबह 10-11 बजे तक की धूप आती हो, बस 4 से 5 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है, सुबह से जो स्टार्ट होती है धूप उससे। तो अगर आपके यहाँ कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको किसी बड़े प्लांट के शेड में रख दीजिएगा, जब धूप मतलब ऐसी जगह पे रखिएगा कि उस पर फुल सनलाइट दिन भर की ना पड़े, सुबह 10-12 बजे तक की पड़े, बस उतनी इसके लिए काफ़ी है। और इसको खाद कैसी देनी है, तो फ्रेंड्स आप इसको DAP NPK वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आप उसको पानी में डाल के दीजिएगा। एक रात के लिए आप पानी में ये चीज़ भिगो दीजिएगा, और उसके बाद में आप इनको सुबह वो पानी दे दीजिएगा सभी प्लांट्स में। तो और अगर आपके पास DAP NPK वगैरह नहीं है तो आप इसमें, एक मैंने होममेड खाद भी बताई है, और जो घर में चीज़ें जो बेकार होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है वो खाद भी है। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको खाली चाय की पत्ती दे सकते हैं, जो भी आप रोज़ चाय में यूज़ करते हैं उसको धुल के थोड़ा सा सुखा के आप इसको 2-2 चम्मच हर 10 दिन में आप इसको देते रहिए, तो तब भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके यहाँ कोई बड़ा प्लांट भी नहीं है, कोई शेडी प्लेस भी नहीं है, और ये फुल सनलाइट में पड़ा है, तो आप इसकी मंचिंग कर दीजिएगा। आपके घर में अगर नट्स वगैरह के छिलके हैं, मूंगफली के छिलके हैं, तो आप, काफ़ी सारे पैरेट आए हुए हैं सॉरी, तो आप उनकी इस पे मंचिंग कर सकते हैं। तो उससे ये रहेगा कि आप इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ेगा, और जो भी पानी देंगे वो जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर आपके गिलहरी या बंदर वगैरह नहीं है तभी आप ये चीज़ें डालिएगा, अन्यथा आप ऐसा करिएगा कि आपके गार्डन में जो भी सूखी पत्तियाँ, थोड़ी बहुत ही सही सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो आप इसके बिल्कुल यहाँ पर सब में डाल दीजिएगा।
तो ये ऐसे ये इसकी मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं, आपको उसको जल्दी पानी नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिरेनियम प्लांट के बारे में। इसके काफ़ी सारे और भी कलर आते हैं, अगर आपके पास हैं तो मुझको मैसेज करके ज़रूर भेजिएगा। और आपको मेरी भी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ में एक ये फ्लावर भी खिल चुका है, और इसको मैं अभी कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी नर्सरी से। ये एक ऑरेंज कलर का फ्लावर प्लांट है, काफ़ी छोटे छोटे से बहुत प्यारे से रोज प्लांट है। तो फ्रेंड्स यही छोटी छोटी सी बातें थी, तो इन्हीं सब बातों के साथ में विदा लेते हैं आपसे। फिर से हाजिर होंगी नई बात नई वीडियो के साथ में, तो बाय बाय।